आप सभी को सलाम, जिंदाबाद। हमारे साथ आज एक बहुत ही समझदार और सोशली एक्टिव युवा राहुल कपूर जी जुड़े हैं। राहुल बहुत लंबे समय से सोशल इश्यूज पर लिख भी रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ब्लॉग्स पर, और खुद एक पब्लिश ऑथर भी हैं। तो आज हम चाहेंगे कि राहुल जी हमारे साथ जो जुड़े हैं वो अपने व्यूज सामाजिक सौहार्द और सोशल हार्मनी की जो हम बात करते हैं उसको लेकर अपनी बात रखें, और बीच बीच में जो साथी जो भी सवाल आए वो हमें कमेंट बॉक्स में दे दें ताकि हम वो सवाल पूछ सकें और हमारे आज के स्पीकर अपनी बात उन सब पर रख सकें। राहुल जी, थैंक यू सो मच कृपाल भाई। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले उन सबको मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और मुझे बताया था फैसल भाई ने कि इस तरीके से सोशल हार्मनी, सामाजिक सौहार्द पे एक सत्याग्रह के सीरीज के अंडर सेशन है, तो आपको बोलना चाहिए। तो मैंने कहा जरूर बोलूंगा, पर अभी मैं आया, मैंने देखा यहाँ पे संदीप पांडे सर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँ अब उनके सामने। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि वो है अटेंडीज में। सो और इट्स अ आप ह्यूज ब्लेसिंग फॉर मी कि मैं आप लोगों के बीच में बोल रहा हूँ। आप लोगों ने मौका दिया, कहीं गलत हो तो आप ठीक कर सकते हैं। और मैं अभी देख रहा हूँ कि हमारे इम्तियाजुद्दीन भाई भी जुड़े हुए हैं शिकागो से। वो भी जी जी बहुत अच्छा, बहुत बहुत सीनियर एक्टिविस्ट है। जी बहुत ही अच्छा। तो सबसे पहले, शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम राहुल कपूर है और मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो जर्नलिज्म से करा है, फिर मैंने मास्टर्स करा सोशल वर्क में, फिर एमफिल करी जेंडर स्टडीज में जामिया मिलिया इस्लामिया से, और अभी पीएचडी कर रहा हूँ जेंडर स्टडीज में। इसके अलावा मैं यूरोपियन पार्लियामेंट सैक्रॉफ फेलो हूँ, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हूँ, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, जिसके तहत मुझे 2020 में यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से चुना गया था वहां पर आकर बोलने के लिए। कोविड की वजह से अनफॉर्चुनेटली हम लोग जा नहीं पाए। वो बेसिकली जो मेरा रोल था सीएनआरसी प्रोटेस्ट में, जो जामिया की तरफ से हमने प्रोटेस्ट करी थी, उसके लिए मुझे चुना गया था उस पे बोलने के लिए। इसके अलावा एक सोशल वर्कर हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, जो भी समाज में अच्छा काम हो सकता करता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरे दिल के करीब है वो है सच में सामाजिक सौहार्द और कम्युनल हार्मनी। सोशल हार्मनी तो है ही और कम्युनल हार्मनी भी, क्योंकि उसका रीजन ये है कि समय, देश का माहौल ऐसा है कि कम्युनल हार्मनी पे हमें स्पेसिफिकली फोकस करना ही पड़ता है। तो सोशल हार्मनी के बारे में कुछ बोलने से पहले मैं आपको बताऊंगा अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले का इंसिडेंट। तो पिछले एक हफ्ते पहले 10 अप्रैल को मेरा बर्थडे था, तो मुझको याद आया कि जो पिछला साल का मेरा बर्थडे था, यानी साल 2020 का, उसमें वो पूरे महीने लॉकडाउन के थे और मैं लगातार सड़कों पे गरीबों को और उन लोगों को, जरूरतमंदों को, खास करके दिहाड़ी मजदूर जो पैदल चल चल के जा रहे थे, उन्हें खाना बांट रहा था, उन्हें जो कुछ भी मदद कर सकते वो कर रहा था। ये काम मैंने 4-5 महीने करा था करीबन, जब तक लॉकडाउन चला था। तो अब की बार जब मेरा जन्मदिन आया तो मैंने सोचा कि अच्छा, पिछला जन्मदिन तो इतना अच्छा निकला था, समाज में एक संदेश देता निकला था, कुछ समाज कार्य करते निकला था, तो अब की बार क्या करना। तो मैं खुद से हर साल एक बार एक दिन कोई चुनता हूँ, कोई भी दिन, और उस दिन मैं सब धर्मों की जो वर्शिप प्लेस है वहां पे जाता हूँ। जैसे मैं उस दिन मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, ये सब जगह जाता हूँ, ये मैं करता ही हूँ। तो मैंने कहा अब की बार इसको अपने जन्मदिन पे करा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे जो दिमाग में ना वो बच्चे आसिफ की जो वीडियो थी वो आ रही थी, जो कि एक मंदिर में पानी पीने गया था और उसको मारा गया था। तो मैं इन सब धर्म स्थलों पे गया और मैंने इन सब धर्म स्थलों पर पानी किया और लिखा। जब मैंने ये बात डाली, क्या कहते हैं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि काफी सारी मेरी फॉलोइंग है, 30-40 हज़ार फॉलोअर्स है, तो ये एक जरूरी होता है मेरी तरफ से कि एक मैसेज देना कि लोग भी देख पाए। तो जब मैंने डाला तो मैंने साफ लिखा कि मकसद ये है कि कहीं ना कहीं समाज में धार्मिक सद्भावना, धार्मिक सौहार्द, सामाजिक सद्भावना, सामाजिक सौहार्द बढ़ता। तो सबसे पहले सोशल हार्मनी, सामाजिक सौहार्द होता है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसके अंदर जितने भी लोग, चाहे फिर वो किसी भी रिलीजन के हों, चाहे फिर वो किसी भी कास्ट के हों, चाहे फिर वो किसी भी जेंडर के हों, चाहे फिर वो किसी भी ऑक्यूपेशन के हों, चाहे वो किसी भी एज के हों, चाहे किसी भी क्लास के, उन सबके बीच
जो एक जुड़ाव होता है, जो एक बॉन्ड होता है, उसको सोशल हार्मनी कहा जाता है, उसको सामाजिक सौहार्द कहा जाता है। वो जुड़ाव प्यार का होता है, वो जुड़ाव भरोसे का होता है, वो जुड़ाव आपसी भाईचारे का होता है, वो जुड़ाव एक दूसरे की मदद करने का होता है, वो जुड़ाव समानता का होता है, वो जुड़ाव ये होता है कि जब हम मुसीबत में हैं तो आप हमारे साथ हैं, जब आप मुसीबत में हैं तो हम आपके साथ हैं। वो जुड़ाव एक दूसरे के त्योहारों को जानने का होता है, एक दूसरे के फेस्टिवल्स में एक भाग लेने का होता है, वो जुड़ाव एक दूसरे के दुख में भी भाग लेने का। तो वो सोशल हार्मनी होती है। और एक व्याख्या है कि अभी जैसे रमजान था और कहीं ना कहीं हम लोग देख नहीं पाते, समाज में इतनी नफरत फैलाई जाती है, पर ऊपर वाले की तरफ से भी कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता है कि आप अबकी बार देखिए रमजान, नवरात्र, गुड़ी पड़वा, बैसाखी, उगाड़ी, सारे फेस्टिवल्स एक ही दिन पड़, मतलब एक ही दिन सब शुरू हो रहे। तो जिस दिन रमजान था उस दिन फैसल भाई ने मुझे बोला कि आपको आना है, क्योंकि हमारे बहुत हिंदू भाई भी आ रहे हैं पहली इफ्तार में, और आप आइए जरूर, इफ्तारी करिए। और ये एक ऐसा इवेंट है जिसको हम लुक फॉरवर्ड भी करते, ये अच्छी चीज है ना, एक दूसरे की खुशी में शामिल होना। मुझे याद है मेरे एक मुसलमान भाई थे, उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टोरी में ही डाल रखा था कि गुजिया खाना, क्योंकि एक मिठाई है जिसको हम जोड़ते हैं कहीं ना कहीं, सबको वो जोड़ती है, वो एक पर्व से स्पेसिफिक मिठाई है। तो मैंने उनको मैसेज करा था कि आप आइए मेरे घर आप आगे। तो फैसल भाई ने मुझसे पूछा कि राहुल तुम मुझको ये बताओ कि ये जो तुम समाज कार्य करते हो, और खासकर कि ये जो तुम भाईचारे की और आपसी सौहार्द की, सामाजिक सौहार्द की इतनी बात करते हो, ये क्योंकि तुम्हारे दिल के सबसे करीब है, तो ये तुमको कब से आया? अब उस टाइम तो मैं इफ्तारी कर रहा था, मेरा माइंड भी जो था इफ्तार में ही लगा हुआ था, पर तब भी जो स्पॉन्टेनियस मेरा आया माइंड से आंसर, मैं कहा सर ये तो बचपन से ही, ये मैंने उनको बोला। फिर मैं घर गया, फिर मैंने सोचा कि मैंने आंसर उस समय ये दिया था, क्या आंसर होना चाहिए, क्या ये आंसर सही था? पर कहीं ना कहीं ये आंसर सही इसलिए था ना, क्योंकि जो प्यार है, जो भाईचारा है, जो एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की मुश्किलों में खड़ा होना, एक दूसरे की सुख दुख बांटनी, हर किसी को इज्जत देनी, हर किसी को समानता देना, ये हमें नेचुरली आता है। प्यार हमें नेचुरली आता है, ठीक है? आप लोगों ने देखा है ना, आप लोगों ने मूंगली पिक्चर देखी, अगर इंसान के बच्चों को भी जानवर के साथ छोड़ दिया जाए सब प्यार करने लगेंगे आपस, ठीक उसी तरीके जानवर के बच्चे को इंसान के साथ छोड़ दिया जाए वो प्यार करने लगे। आप देखते हैं डिस्कवरी चैनल में, आपको कई बार आपने देखा होगा कि कभी आप देखते हैं कि एक टाइगर के साथ एक गोट का बच्चा है, वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे। प्यार जो है नेचुरली आता, ठीक है, भले ही उनकी वो नेचुरल इंस्टिंक्ट ना हो, वही टाइगर है उसको खाना है, कार्निवोरस एनिमल, बट आप छोड़ दिए प्यार कहाँ कनेक्ट कर जाए किसी को पता नहीं, ये सारी चीजें हमें नेचुरली आती। तो फिर क्या है जो हमको नेचुरली आता नहीं? जो हमको नेचुरली नहीं आता ना, वो है नफरत, वो है जलन, ये सब हमको अंदर से नेचुरली आती है। और इसलिए मजबूरी में बहुत बड़े बड़े व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने पड़ते हैं, बहुत बड़ी बड़ी आईटी सेल की फैक्ट्री खोलनी पड़ती है, बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे वो नफरत मैन्युफैक्चर हो, वो नफरत क्रिएट। और उस नफरत को अगर हमको हराना है तो सोशल हार्मनी और कम्युनल हार्मनी ही हमारा टूल है, यानी कि सामाजिक सौहार्द, सामाजिक सद्भावना, धार्मिक सौहार्द, धार्मिक सद्भावना। क्यों सामाजिक सौहार्द जरूरी है, क्यों समानता जरूरी है, क्यों एक दूसरे का के ऊपर भरोसा होना जरूरी है, क्यों लॉकडाउन हुआ तो अमीर जो है वो तो घर पे बंद हो गए लेकिन दिहाड़ी मजदूर सड़कों पर अकेले रह गए, ऐसा क्यों हुआ? क्या वो दिहाड़ी मजदूर भरोसा कर सकते हैं समाज के हर वर्ग पे? क्या वो दिहाड़ी मजदूर भरोसा कर सकते हैं समाज के पॉलिटिकल वर्ग पे, इस समाज के इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक वर्ग पे? नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश हालांकि बहुत रिच है, मैं नहीं कोई कह रहा है, गांधी जी के टाइम से कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, अब्दुल गफ्फार खान जी के टाइम से कॉन्सेप्ट चला आ रहा है सोशल हार्मनी का, सामाजिक सौहार्द का, और इसीलिए गांधी जी के प्रिंसिपल्स वर्ल्ड वाइड फेमस भी, इसीलिए वर्ल्ड वाइड गांधी जी के फेमस प्रिंसिपल्स फेमस हैं, क्योंकि जब बात प्यार की होती है ना, जब बात नॉन वायलेंस की होती है, जब बात ट्रस्ट की होती है, जब बात रिस्पेक्ट की होती है, जब बात एक दूसरे का साथ देने की होती है, तो ये चीजें आती है नेचुरली और ये चीजें होती है ऑटोमेटिकली वर्ल्ड वाइड, आप देखिए फेमस, ठीक है, हर कोई गांधी जी का ट्रुथ स्टैंड सुप्रीम, हर कोई इस बात को कहना चाहता है, पर ट्रुथ कहां से आएगा? तो तभी गाना जब हम अंदर से सच्चे होंगे,
और हमें अंदर से सच्चा होने के लिए, हमें अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनने के लिए समाज में सोशल हार्मनी, कम्युनल हार्मनी का जो नेटवर्क है उसको बड़ा करना पड़ेगा। और ये नेटवर्क हमें बड़ा करने की कोशिश करनी नहीं पड़ती, हमको जरूरत नहीं पड़ती, हमको शायद इस वेबिनार की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर एक एंटी नरेटिव नहीं चल रहा हो। ठीक है, अगर सोशल हार्मनी कम्युनल हार्मनी से फाइट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए एक एंटी नरेटिव नहीं चल रहा होता, लगातार लोगों को व्हाट्सएप पे एक दूसरे रिलीजन के खिलाफ जहर नहीं घोला जा रहा होता, आईटी सेल्स के खिलाफ जहर जो वो सेल घोलते हैं वो नहीं हो रहा, इसके अलावा बाकी छोड़िए, आज तो हमारे देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस चुनावी रैलियों में, जहाँ पे चुनाव आयोग होता है जो कि कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर जो कि पॉलिटिशियंस को पिनलाइज कर सकता है, उसके बाद भी बिना डरे बेझिझक वो लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति करते हैं, वो लोग रिलीजन के बेस पे राजनीति करते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं। तो नफरत जो है उसको मैन्युफैक्चर करी जा सकती है, लेकिन सोशल हार्मनी कम्युनल हार्मनी ये नेचुरली एग्जिस्ट करती है। ये भी हुआ था कि जिस दिन आसिफ को मारा गया था क्योंकि उसने एक मंदिर में जाके पानी पी लिया, तो मैंने सोशल मीडिया पे बाढ़ भी देखी थी वीडियोस की कि कहीं पर किसी मंदिर में पंडितों ने बुलाकर मुसलमानों को कहा कि आप लोग यहीं पे भोजन करेंगे आज, मैंने वो वीडियोस भी देखी। मैंने ये भी देखा कि एक दरगाह में एक बच्चा जाके पानी पी रहा है, वो हिंदू, और एक मुसलमान भाई उससे बात कर रहा है, पूछा उसने कि अंदर क्यों गए, तो उसने कहा पानी पीने, पूछा तुम्हारा नाम क्या, उसने कहा मेरा नाम रवि है, उसने कहा कोई बात नहीं रवि बेटा तुम पानी पियो, दरगाह में कोई भी पानी पी सकता है। गुरुद्वारे आप देख ही रहे हैं लगातार कि वो हर धर्म के लोगों को खाना खिलाते हैं। तो कम्युनल हार्मनी पे ज्यादा फोकस इसलिए रहता है क्योंकि आज का माहौल इतना खराब कर दिया गया है, खासकर की जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने, क्या कहते हैं, जो उसके लीडर्स है, रूलिंग पार्टी है। पर ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टीज ये कम्युनल पॉलिटिक्स करती नहीं, बहुत सारी पार्टीज है जो कम्युनल पॉलिटिक्स करती हैं, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करती है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती हैं, और ये सब एंटी नैरेटिव बनता है सोशल हार्मनी और कम्युनल हार्मनी। लेकिन अगर कम्युनल हार्मनी से हट के हम वापस जाएं अपने कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल हार्मनी, तो फिर उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, फिर उसमें कास्ट भी आता है, फिर उसमें ऑक्यूपेशन भी आती है, फिर उसमें जेंडर भी आता है। ठीक है, सबका एक दूसरे पे भरोसा होना जरूरी है, सबका एक दूसरे पे ट्रस्ट होना जरूरी है, सबका एक दूसरे की रिस्पेक्ट होना जरूरी है। अगर वर्क प्लेसेस पे महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा, अगर वर्क प्लेसेस पे महिलाओं को नीचे रख के देखा जाएगा, अगर वर्क प्लेसेस पे उनको इक्वल सैलरी नहीं मिलेगी, तो फिर क्या होगा, सोशल हार्मनी टूटेगी। सोशल हार्मनी उस समय टूटेगी जो कि बहुत गलत, और ये हम नहीं चाहते, ये हम नहीं चाहते। तो जब हम सोशल हार्मनी की बात करते हैं तो फिर हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि अपने समाज के बुजुर्गों को छोड़ दें, ठीक है, बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ दें, नहीं। सोशल हार्मनी का मतलब ही होता है कि समाज का हर वर्ग, चाहे फिर वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे फिर वो कोई और जेंडर हो, चाहे वो किसी कास्ट के हो, चाहे वो किसी रिलीजन के हो, सबके बीच एक जुड़ाव होना जरूरी है। वो जुड़ाव मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि किससे आता। अब अगर हम आगे बढ़े कि क्यों इतना स्ट्रांग अटैक हो रहा है सोशल हार्मनी पे आज और कम्युनल हार्मनी पे, ये इतना स्ट्रॉन्ग अटैक, इतना एंटी नैरेटिव जो चलाया जा रहा है, क्योंकि जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है लोगों की एक दूसरे से प्यार करना, मैं आपको बोल रहा हूँ आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। आप दो लोगों को, दो बच्चों को किसी एक ही रूम में रख दीजिए, वहां पे उनको पाल पोस के बड़ा करिए, ऑटोमेटिकली एक दूसरे को प्यार करने लग जाएंगे। किसी भी तरीके का प्यार हो, भाई बहन का प्यार हो, किसी और नेचर का प्यार हो, पर वो प्यार फील करेंगे एक दूसरे के लिए, नफरत फील नहीं करेंगे। नफरत वो तभी फील करेंगे जब उनके कान भरे जाएंगे, जब उनके हाथ में व्हाट्सएप का मैसेज दिया जाएगा, जब आईटी सेल वाले नफरत फैलाएंगे तभी वो नफरत करेंगे, जब पॉलिटिशियंस लाखों की जनता को सामने बोलेंगे और इस तरीके के रिलीजियस बातें, इस तरीके की एक्सप्लिसिट बातें जिससे कि आपस में एक दूसरे से लड़ाई हो, एक दूसरे से जलन हो, तभी वो नफरत करेंगे। वरना प्यार तो नेचुरली आता है, ये तो हम सबके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, भरोसा करना तो एक दूसरे के अंदर सब कूट कूट के भरा हुआ है। आप छोटा बच्चा होता है ना, आप उसको उछालते हैं फिर गोद में लेते हैं, बच्चा हंसता है, रोता नहीं है, उसको भरोसा है, उसके अंदर से आया। और बच्चा जब बड़ा हो जाता है, कई बार वो अपने माँ बाप की नहीं सुनता, उसको माँ बाप पर भरोसा नहीं होता, कई बार लोग उसके कान भर देते। तो आप समझ रही है सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, ये मैं बता रहा हूँ कि सोशल हार्मनी कम्युनल हार्मनी ये सब नेचुरली आती है, ये सब अंदर से आ रहा है, प्यार हमारे अंदर से आ रहा है।
नफरत जो एंटी नरेटिव है वो बाहर से आ रहा है, और इसलिए दो चीजें करनी जरूरी है। एक इस एंटी नरेटिव रोकना जरूरी है और अपने नरेटिव से इसको रिप्लेस करना जरूरी, बताना जरूरी है कि नहीं, जो आसिफ के साथ हुआ जब उसने मंदिर में जाके पानी पिया और उसको मारा गया वो गलत जरूरी है, उन भाइयों का होना जरूरी है जिन्होंने मंदिर में उसके बाद मुसलमानों को बुला के खाना खिलाया, उस तरीके के पंडितों का होना जरूरी जरूरी है हमारे देश में, संदीप पांडे जी जैसे लोगों का होना, फैसल भाई जैसे लोगों का होना, जो कि इंसान का धर्म नहीं देखते, जो कि पहली इफ्तारी करते हैं, रमजान करते हैं, तो वो चाहते कि हर धर्म का इंसान। और जब हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, एक दूसरे के बारे में नहीं पहचानेंगे, एक दूसरे के फेस्टिवल्स के बारे में नहीं पहचानेंगे, एक दूसरे की खूबसूरती कैसे पता चलेगी? ऐसी दुनिया भी क्या करेंगे जिसमें सब एक ही जैसे दिखते हो, सब एक ही जैसे हो, फिर तो पागल हो जाएंगे ना सब। हम रमजान में बात करते हैं, हमको पता चलता है रोजे के बारे में, सुबह सहरी होती है, शाम में इफ्तार होती है, उस बीच ना कुछ खाया जाता है ना कुछ पिया जाता है। ऐसे हम लोगों में भी होता है, निर्जला फास्ट भी रखते हैं हम लोग, निर्जला व्रत भी रखते हैं, हमारे अंदर सिमिलैरिटीज भी जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं, और हमारे अंदर डिफरेंसेस भी है, डाइवर्सिटी भी है, जिनको हमें और सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि वही सबसे खूबसूरत चीज है। आप देखिए होली में भी कितने सारे रंग होते हैं, हर रंग से होली खेली जाती है, देखा कहीं किसी भी येल्लो से खेली जा रही है, रेड से ही खेली जा रही है। तो सोशल हार्मनी भी उसी तरीके की, हर तरीके का व्यक्ति है इस समाज में, हर तरीके का व्यक्ति इस समाज में, अमीर व्यक्ति भी है, गरीब व्यक्ति भी है, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, ट्रांसजेंडर भी हैं इस समाज में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन सब, इन सबकी डिफरेंसेस सेलिब्रेट करना, आपस में एक दूसरे के साथ खड़े रहना, एक दूसरे के साथ खड़े रहना, एक दूसरे का हाथ बटाना, एक दूसरे के सुख दुख शरीक होना, एक दूसरे की इज्जत करना, समानता, समाज में समानता हो, इक्विटी होना, इक्वालिटी होना, ये बहुत जरूरी, इसी को हम सोशल हार्मनी कहते हैं, इसी को हम सोशल हार्मनी डिफाइन करते हैं। अच्छा, जिस समाज में सोशल हार्मनी होगी ना, उस समाज में मैं ये भी बता दूं कि ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है, ठीक है, ये जो पैसे की असमानता है कि अंबानी के पास तो इतना है और कोई बेचारा के पास दो रोटी नहीं है, वो समाज में कम होती है। हम देखिए यूरोपियन नेशंस में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं सोशल हार्मनी है, कम्युनल हार्मनी है। आप कनाडा में देखिए इतनी बड़ी महामारी आई, उनकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी वहां पे। अच्छा, सोशल हार्मनी प्रमोट करने, कम्युनल हार्मनी प्रमोट करने के लिए हमको इंस्टीट्यूशन चाहिए होते हैं, स्ट्रक्चर्स चाहिए होता है, चाहे फिर वो सिविल सोसाइटी का इंस्टीट्यूशन हो, चाहे फिर वो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन। पर हमारे यहाँ उल्टा होता है, चुनाव के चलते गवर्नमेंट उन चीजों को तोड़ती है। अब तो सिर्फ चुनाव के चलते ही नहीं, अब तो रूल्स भी ऐसे आने लग गए हैं जो कि लॉज भी ऐसे आने लग गए हैं जो कि पर्टिकुलर रिलीजन्स को टारगेट करते हैं, तो साफ दिख जाता है कि कम्युनल हार्मनी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, साफ दिख जाता है। एक एग्जांपल दूंगा आपको, मरकज का इवेंट हुआ था, ठीक है, कोरोना में, अभी भी चल रहा है कुंभ का इवेंट कोरोना में, उससे भी बड़ा इवेंट चल रहा है बंगाल में, चुनाव चल रहे हैं, उससे भी बड़ा हुआ है नमस्ते ट्रंप का इवेंट। तो किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को ही मीडिया ने इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों दिखाया, किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को ही क्यों ऐसा दिखाया कि हमारे देश में मुसलमान ही कोरोना फैला है, जबकि सच है नहीं, कोई बीमारी किसी को फैलाता थोड़ी ना, ना ही कोई चाहता है कि उसे बीमारी हो, बीमारी तो बीमारी है, किसी को भी हो जाती है, वायरस तो वायरस है, कोई भी क्यों चाहेगा कि मुझसे किसी को हो जाए या मैं किसी को दे दूं या मुझे ही हो जाए। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो हम देख रहे हैं, ये जो नरेटिव चल रहा है, और मीडिया भी मैं कहूंगा कि बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले कर रही है, बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले कर रही है, उनकी जिस तरीके की टैगलाइंस होती है कम्युनल हार्मनी तोड़ने की, ठीक है, अभी रिसेंटली बनारस में एक इंसिडेंट हुआ कि ज्ञानवापी मॉस्क का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने बोला बेसिकली कि आप इस पे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी एक ने बोला कि आप इस पे देखिए क्या यहाँ पे कभी मंदिर था। अब मैं, आप कभी बनारस के लोगों से जाके पूछिए, क्योंकि मेरे काफी सारे दोस्त हैं बनारस के, मैं खुद कानपुर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, वहाँ के कॉम्पोजिट कल्चर के बारे में जानता हूँ, ये ज्ञानवापी मॉस और उसके बगल में जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, और मैं कई बार गया उस मंदिर में भी और उस मस्जिद में, इसको सेलिब्रेट करा जाता था बनारस, लोग बड़े खुशी से देखते थे, एक डाइवर्सिटी थी, एक ही गेट पे लिखा हुआ है ज्ञानवापी मॉस काशी विश्वनाथ मंदिर, लोग जाते थे, लोग को बड़ी खुशी होती थी कि देखो हम कैसे देश में रह रहे हैं जहां मंदिर मस्जिद बिल्कुल साथ में खड़े, ठीक है। तो वो नेचुरली आता था, वो नेचुरल इंस्टिंक्ट थी, लोगों को अच्छा लगता था,
आज भी आप एक पोस्ट प्यार की डाल दीजिए, आप देखिए लोग किस तरीके नेचुरली उस पोस्ट को फेसबुक पे या यूट्यूब पे या कहीं पे भी अप्रिशिएट करते हैं। एंटी नैरेटिव उसके खिलाफ भी चलाया जाए लेकिन अप्रिशिएशन आएगा कि वो लोगों को नेचुरली डाल। तो ये जो चीज थी लोग उसको सेलिब्रेट करते थे कि देखो काशी विश्वनाथ मंदिर के जस्ट बगल में ज्ञानवापी मॉस्क है, काशी विश्वनाथ मंदिर कितना सुंदर है, ज्ञानवापी मॉस्क कितना सुंदर है, हमारा कॉम्पोजिट कल्चर कितना सुंदर है, हमारी संस्कृति कितनी सुंदर है, हमारे देश का सामाजिक सौहार्द धार्मिक सौहार्द कितना सुंदर है। उसको तोड़ने के लिए बहुत कारण होते हैं। आगे उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वो एक कारण हो सकता है। ठीक है, जब जहां चुनाव होते हैं बार बार कोशिश की जाती है धर्म के आधार पे लोगों को बांट वोट्स का पोलराइजेशन करने के, अच्छा तुम हिंदू हो तो तुम उसको दे दो, मुस्लिम हो तो उसको दे दो। और यही कारण है कि हमारे देश में आज जब कोरोना से इतनी मौतें हो रही है, आज हमारे देश जब कोरोना से लोग जूझ रहे हैं, उनके पास बेड नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, तो हम क्या बोले? क्योंकि कहीं ना कहीं तो उन्होंने चुनाव में कभी हॉस्पिटल मांगी नहीं, कभी शिक्षा व्यवस्था मांगी नहीं, कभी ये मांगा ही नहीं कि अकाउंटेबिलिटी मिले पॉलिटिशियंस जो धर्म के नाम पे कास्ट के नाम पे वोट दे दी, और इसलिए हमारा देश इस स्थिति से गुजर रहा है। और फिर भी मैं कहता हूँ कि इस अस्पताल की व्यवस्था से भी जो हमारे पास है, अगर देश में आज हमारे पास जो सामाजिक सौहार्द है उसका लेवल 100% होता तो भी हम इस बीमारी से बेटर जूझते, हम इस वायरस से बेटर जूझते। मैंने बताया तो शुरुआत में कि ऑक्यूपेशन के बेस पे भी लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में क्या हुआ, हेल्थ केयर वर्कर्स को अपनी बिल्डिंग से निकाल दिया गया, फ्रंटलाइन वर्कर्स को बस से उतार दिया गया। तो सिर्फ ताली थाली बजा लेने से या एक दिन दिखावा करने से या फेसबुक पे पोस्ट डाल लेने से सामाजिक सौहार्द नहीं है, कोशिश करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट कोशिश करनी पड़ेगी। ये देखना पड़ेगा कि कहाँ से कौन लोग हैं जो सामाजिक सौहार्द को बढ़ने से रोक रहे हैं। ये देखना पड़ेगा कि सामाजिक सौहार्द जब नेचुरली आता है, ठीक है, कि वो जिस तरीके मिट्टी होती है ना, मिट्टी की खुशबू होती है, उसी तरीके सामाजिक सौहार्द वो नेचुरली है, वो बच्चे में नेचुरली आ जाएगा। बच्चे से आप कभी नहीं सुनेंगे कि मेरा दोस्त है, वो कभी नहीं बताएगा कि अच्छा ये मुसलमान है तो इससे दोस्ती करूँ ना करूँ, जब तक माँ बाप उसको नहीं सिखा देंगे। वो तो लग जाएगा जाके मुसलमान के गले, उसका टिफिन खोल के खा लेगा हिंदू बच्चा, वो तो लग जाएगा सिख के गले, उसको तो नहीं पता। उसको जो पता है वो यही है कि उसको प्यार नेचुरली आता है, अंदर से आता है, भरोसा करना नेचुरली उसको अंदर से आता है, रिस्पेक्ट अंदर से आती है, ये हमेशा उसको अंदर से आता है। तो ये चीजें जो है इनको हमको देखना होगा कि अगर ये चीजें नेचुरली आ रही है, अगर ये जमीन की मिट्टी की खुशबू कर रहे हैं, तो वो भी अगर हमारे देश में आज इनको नहीं बढ़ाया जा पा रहा तो हम कहाँ फॉल्टर कर रहे हैं और वो लोग कहाँ जीत रहे हैं, उन्हें किस तरीके उनकी नफरत का जवाब हमें प्यार से देना है, किस तरीके उनकी नफरत को हमें प्यार से हराना है और किस तरीके हमें ज्यादा से ज्यादा प्यार जो है बांटना है। फैसल भाई खुदाई खिदमत के खिदमतगार के जो कन्वीनर हैं, प्रेसिडेंट है, वो जुड़े हुए हैं अभी इस लेक्चर से, वो मंदिर में जाके नमाज पढ़ रहे मंदिर के बरामदा में, और उन्होंने पंडित से परमिशन ली। पंडित ने क्या बोला था उस समय, क्या ये तो इबादत का घर है, इधर ही कर ली, क्या गलत बोला। और उसके बाद मैंने देखा फैसल भाई ने किसी को, ये एंकर फैसल भाई को परेशान करने की कोशिश कर रही थी और उसने पूछा कि क्या मस्जिद में आके पूजा कर ले, फैसल भाई ने हंसते हंसते बोला। आखिर इन सब जगह हम ऊपर वाले को याद ही तो, आखिर इन सब जगह एक व्यक्ति जो देख भी नहीं सकता, एक अंधा व्यक्ति, वो भी इसी होप से तो जा रहा है कि उसकी आंखें आ जाएंगी। तो अगर ये जगह लोगों को होप दे रही है, ये जगह सब उस ऊपर वाले को याद करने की है और उस ऊपर वाले से ज्यादा अपने अंदर की एनर्जी को याद करने की, कि हमें क्या करना है एक अच्छा इंसान बनने के लिए, हमें क्या करना है अपने भाइयों का अपने बहनों का साथ देने के लिए, हमें क्या करना है कि हमारे हर स्टेप से लोग खुश रहे, हमें क्या करना है कि समाज में जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, उसके सर्कल को तोड़ना है, समाज में जो कास्ट का सर्कल है उसे तोड़ना है, जो जेंडर का सर्कल है उसे तोड़ना है, पैट्रियार्की को तोड़ना है, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पावर के इंस्टीट्यूशन है, जो रिच का इंस्टीट्यूशन है, जो हैव और हैव नॉट्स हैं, जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंशियल्स का इंस्टीट्यूशन है, तोड़ना है, ये हम कैसे करें, कहीं ना कहीं तो समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो हमको ये बात जाननी होगी कि ये सारे जो हम लोग अलग अलग हैं, कि हम चाहे जितने भी अलग हो, चाहे ऑक्यूपेशन के बेस पे, चाहे जेंडर के बेस पे, चाहे रिलीजन के बेस पे, कहीं ना कहीं हमको सिर्फ एक एक सिंगल चीज जोड़ती है, एक सिंगल चीज
और वो सिंगल चीज सुप्रीम है, वो किसी भी रिलीजन से सुप्रीम है, वो किसी भी कास्ट से सुप्रीम है, वो किसी भी जेंडर से सुप्रीम है, वो सिंगल चीज है इंसानियत, ह्यूमैनिटी। वो ह्यूमैनिटी तो होती है कि जब आप रोड पे देखते हैं कि कोई पड़ा हुआ है और उनमें से एक आदमी हाथ उठाता है और कहता है मैं इसको हॉस्पिटल, कुछ नहीं पता होता, उन्हें कुछ नहीं पता होता कि आदमी हिंदू है मुसलमान है, उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि औरत है आदमी है ये बच्चा है, उन्हें नहीं फर्क पड़ता वो बूढ़ा है। पर उसको ये जरूर दिखता है सड़क पे पड़े इस व्यक्ति का जो खून बह रहा है वो लाल है, हम सबका भी खून लाल है कहीं ना कहीं। तो ऊपर वाली नीति एक तरीके का हमको सिमिलैरिटीज थी, ठीक है, लेकिन हम उन सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को सेलिब्रेट नहीं करते। मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा कि क्या पैट्रियार्की सोशल हार्मनी से टूटे, कोई भी एक सिंगल वर्ड सोशल हार्मनी, कम्युनल हार्मनी, कोई एक ओवर आर्किटिकल इंस्टीट्यूशन है जो पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन है, पैट्रियार्की है, उसको अकेले नहीं तोड़ सकते। पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग में मैंने बोला कि सोशल हार्मनी में इट वुड इंक्लूड कि जो वर्क प्लेसेस हैं उसमें महिलाओं को नीचा नहीं दिखाया जाता, उसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, उसमें महिलाओं को ऐसे नहीं देखा जा रहा, उनको जेंडर के साथ उनका वर्क सेग्रीगेट नहीं कराया, बिकॉज यही है ना, तभी तो एक दूसरे पे ट्रस्ट आता, तभी तो एक दूसरे पे भरोसा आता, तभी तो इक्वालिटी आती है। अगर हमने यही सोच लिया कि नहीं तो औरत है 3 ही घंटे काम कर पाएगी, उसके बाद उसको घर जाना है, घर भी काम करना है, वो घर का काम करना भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो डोमेस्टिक वर्क है, उसमें भी जेंडर रोल्स डिवाइड हो। हम क्योंकि दिमाग जो है अपना घर पे जेंडर रोल्स पे रखे रहते हैं कि अच्छा घर पे जेंडर रोल्स पे ऐसे कि औरत तो खाना ही बनाती, आदमी तो बाहर ही जाता है, ऑफिस में ही ऐसा कर दे, ऑफिस में ही बोल दे अपनी किसी फीमेल कोलीग से अरे जाओ सैंडविच बना दे, ठीक है, मजाक में ही बोल, सेक्सिस्ट जोक ही मार दे, ये साइकिल, ये सब सोशल हार्मनी से एक दूसरे को समझने से टूटती है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने से टूटती है, और दिखावे से भी जेनुइन, जो नेचुरल फीलिंग आती है ना, जो बचपन से आती है, जो मैंने बताया ना कि बच्चा कभी उसको फर्क नहीं पड़ता हिंदू मुसलमान लड़का लड़की सब आपस में खेल लेंगे, कोई भी गेम खेल लेंगे, और कोई भी कपड़ा पहन लेंगे, वो हिजाब भी डाल लेंगे, वो चुन्नी भी डाल लेंगे, टीका भी लगा लेंगे, वो टोपी भी पहन लेंगे। हमको अपनी उस नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को, नेचुरल प्यार को टैप करना। बाकी मैं ये मानता हूँ कि फिलहाल के समय में बहुत जरूरी है कि जो हमारा नरेटिव है हेट का, खास करके कम्युनल हार्मनी से, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सोशल हार्मनी का, उसके अगेंस्ट हमें फाइट करनी होगी, और हम प्यार से ही फाइट कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं, क्योंकि तो हमारा बेस ही नॉन वायलेंस है, हमारा बेस ही प्यार है, हमारा बेस ही रिस्पेक्ट है, उसी के थ्रू इस सब चीजों को, इस हेट को फाइट करना, और उसी से वो हारेंगे भी, वो देखेंगे भी, जिस दिन आसिफ को मारा जाएगा और देखेंगे अगले दिन सोशल मीडिया में बाण लग गई है कि कितने ही पंडित लोगों को मंदिरों में बैठा के मुसलमानों को खाना खिला रहे, उसी से उनको समझ गया, वो भी अपना नैरेटिव चलाएंगे सोशल मीडिया, वो भी मंदिरों के ऊपर बोर्ड लगवाएंगे कि यहाँ पे कोई मुसलमान नहीं है। पर आज की पूरी साउथ इंडिया में देख लीजिए कितनी सारी जगह चर्चेज हैं, मंदिर हैं, हर धर्म के लोग जाते हैं, बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, आप सौहार्द से रहते हैं, ऐसे मेडिटेशन सेंटर्स हैं, स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं, हर धर्म के लोग वहाँ जाते हैं, आपस में रहते हैं, प्यार से, तो कहीं ना कहीं हमको उस पर फोकस करना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं क्या कहती हूँ, जो फ्लोर है वो क्वेश्चंस के लिए ओपन करना चाहूँगा, किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट्स है, कोई ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं भी आप ही लोगों के बीच से हूँ, बस ये कि ये चीज जो है कम्युनल हार्मनी, सोशल हार्मनी की, मेरे दिल के बहुत क्लोज है, तो मैं करता हूँ, मैंने इंडिया फॉर ऑल कैंपेन चलाई, मुझको बहुत अच्छे से याद है, ठीक है, ये मॉब लिंचिंग हेट क्राइम्स के अगेंस्ट में मैंने साफ लिखा था, आई एम राहुल, आई एम अ हिंदू, आई do not accept violence, Hinduism is against violence, जो religion की appropriation होती है, चाहे फिर वो कोई भी religion हो, Islam हो, Hindu, जो उनकी appropriation की जाती है कि अच्छा इनमें तो violence होता है, वो नहीं, कुछ नहीं होता, religion की बस interpretation की है। अगर हम अपने अंदर से अपने religion को ढंग से समझें तो सबसे बड़ा religion तो इंसानियत है, उसके बाद ही तो हम हिंदू मुसलमान से किसान। कृपाल जी का क्वेश्चन है, वो पूछना चाहते हैं, पूछिए कृपाल जी।
राहुल जी, आप सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काफी एक्टिव रहते हैं और आपकी एक अपनी मतलब काफी लोग हैं जो आपको पढ़ते भी हैं और फॉलो भी करते हैं। ओवर द इयर्स कई तरह के नरेशंस चलते हैं, जो रोबोटिक नरेशंस होते हैं ट्विटर के, वो एक अलग चीज है। लेकिन इस पैंडेमिक में, स्पेशली सेकेंड वेव के बाद, आपको लोगों के नरेशंस में कुछ चेंज या रिस्पॉन्स में कुछ चेंज नजर आया, स्पेशली एज ए सोशल स्ट्रक्चर या सोशल इश्यूज को लेकर? नहीं, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि कहीं ना कहीं आप पैंडेमिक को इससे जोड़ के देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं व्हेन वी आर एट आवर लोएस्ट देन वी ट्राई टू कनेक्ट टू आवर हाईएस्ट वैल्यूज। ठीक है, जब हम शायद सबसे नीचे होते हैं ना अपनी लाइफ के फेज में, तो हम अपनी हाईएस्ट वैल्यूज कनेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि हम तभी उठे। तो अब ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद याद नहीं आता, तब याद आता है यार कि क्यों क्यों नहीं हमने हॉस्पिटल मांगे, क्यों नहीं हमने अच्छी शिक्षा मांगी, क्यों नहीं हमने अपने बच्चे को हिंदू मुसलमान समझाने के बजाय मोटिवेट करा कि मेडिकल प्रोफेशन में जाए, नर्सिंग प्रोफेशन में जाए। तो एक, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ और मैंने देखा है, तो हाँ एक वर्ग है जो हाईएस्ट वैल्यूज से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट देन वो सेम वर्ग है, वही जो ये सेमिनार करा रहा है वो वही सेम वर्ग है जो लगातार सोशल हार्मनी, कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। बहुत दुख की बात है कि इवन एट आवर लोएस्ट जो जहर, जो इस समय धर्म की राजनीति का जहर है, इतना डीप इंजेक्ट कर चुका जा चुका है कि अभी भी मेजोरिटी को नहीं समझ पाया, अभी भी नहीं समझ पाया। मेजोरिटेरियन कम्युनिटी को तो बिल्कुल नहीं समझ में आ पा रहा हमारे देश में, उनका तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन मेजोरिटी अदरवाइज भी ऑफ द पीपल उनको नहीं समझ पाया। हाउ एवर, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि क्या कन्वर्ट्स हैं, क्या कुछ लोगों को समझ में आना शुरू हो गया है जो लाइन के उस पार थे, जिन्हें सोशल हार्मनी कम्युनल हार्मनी नहीं चाहिए थी, जिन्हें कम्युनलिज्म चाहिए, क्या वो लाइन के इस पार आना शुरू हुए? हाँ, उनके साथ पर्सनल घटने घटनाएं शुरू हो गई, उन्हें अपने माँ बाप को लेकर हॉस्पिटलों में घूमना पड़ा है, बेड नहीं मिले। ठीक है, उनको हिंदुओं को किसी मुसलमान ने आके प्लाज्मा डोनेट कर दिया, मुसलमानों को किसी हिंदू ने आके प्लाज्मा डोनेट कर दिया, उनकी सोच बदल रही है और वो सोशल मीडिया पर भी दिख रहा है। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस वगैरह और कोई साथी क्वेश्चन पूछना चाहे? या अदरवाइज कोई कमेंट ऑब्जर्वेशन, सब वेलकम है, मैं भी आप लोग से सीखने ही बैठा हूँ। जस्ट इन केस कोई क्वेश्चंस नहीं है कृपाल भाई, तो आप बोल सकते हो, और संदीप सर और फैसल भाई से बोल सकते हैं कि वो भी कुछ कुछ बोले तो हम लोग की भी थोड़ी नॉलेज बढ़े, मतलब सिर्फ दो शब्द बोले या जस्ट 5 5 मिनट्स भी। बिल्कुल राहुल जी, एक एक जो मैंने अभी रिसेंट ऑब्जर्व किया, जो शायद आपने भी देखा होगा, कि कुछ मेडिकोज जो डांस कर रहे थे, जिन्होंने हाँ, जिनका डांस वायरल हुआ, उस पे मैं बात करना और चाहूंगा। उसके हाँ बाद उसको एक एक बिल्कुल, अलग एक अलग एंगल देने की कोशिश करी कहीं ना गई। कहीं आपने लेकिन देखा, चाहे वो साउथ की बात हो, लो कहीं चाहे वो साउथ की बात हो या ओवरऑल जनरलाइज, लोगों ने उसको एक बहुत ही पॉजिटिव एंड में लेकर, और उसको चाहे वो प्रतिरोध दर्ज करना या उस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना, जो भी कहें हम, उसको एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम परेशान होते हैं या व्हेन वी आर एट आवर लोएस्ट, हम पॉजिटिव चीजों को लेना चालू करते हैं, और बहुत से निजी एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जिनको हम लेकर, और पॉजिटिविटी की, क्योंकि नेगेटिविटी डजंट कम नेचुरली, तो वो हम ज्यादा देर नहीं झेल सकते, ये भी मुझे लगता है। और एक ऑब्जर्वेशन ये भी कि सोशल मीडिया के ऊपर एक अच्छी खासी पॉपुलेशन, नॉट ऑल
ऑब्वियसली ऑल तो कभी होता नहीं है, लेकिन युवाओं में पॉजिटिविटी इस टाइम पे, मतलब एक्चुअली दे हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, और पॉजिटिविटी को लेकर भी मतलब इस पैंडेमिक में चीजें आने लगी, विच इज अ वेरी गुड एंड लाइक हम सबको भी एनर्जी और पॉजिटिविटी देता है, तो ऐसा मुझे लगता है. बाकी और साथी क्वेश्चन पूछे या आप इसके ऊपर कुछ और ऐड करना चाहें. मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इस इंसिडेंट के ऊपर बात करना चाहूंगा। वो जो वसीम रजाक है जिन्होंने ये वीडियो डाली अपने इंस्टा पे, और जो लड़की है उनके साथ, वो हिंदू है। पहली बात तो मेडिकोज ने वो वीडियो डाली, कहीं ना कहीं आपको पता है हमारे देश में इस समय मेडिकोज कितने प्रेशर में, कितने एक्सट्रीम अंडर प्रेशर में। हमारा देश वो तो है नहीं जहाँ की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नेशंस में आती है, ठीक है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस समय बहुत प्रेशर है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मेडिकोज पे, और खास करके यंग मेडिकोज। कभी उनको नौकरी के नाम पे डरा दिया जाता है, कभी सैलरी के नाम पे डरा दिया जाता है, एंड दे आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट। ऐसे टाइम में इस तरीके की वीडियो बहुत पॉजिटिविटी देती है। फिर भी आपने देखा कि एंटी नरेटिव वालों ने अपना एंटी नरेटिव चलाने की कोशिश करी, और उसे रिलीजन के साथ कोशिश करी जोड़ने की, जबकि आर्ट का क्या रिलीजन हो सकता है, डांस का क्या रिलीजन हो, गाने का क्या रिलीजन हो, बुल्ले शाह जी का क्या रिलीजन है, कबीर जी का क्या रिलीजन है, संत कबीर का क्या रिलीजन है, नुसरत फतेह अली खां का क्या रिलीजन है, या अरिजीत सिंह का क्या रिलीजन है। इनकी तो आर्ट ही इनका रिलीजन है, इनकी तो आर्ट ही इनकी ह्यूमैनिटी, उसी से ये कम्युनिकेट करते हैं। तो डांस जैसी चीज को भी एक एंटी नरेटिव रिलीजन से जोड़ के और कम्युनल करने की कोशिश करी गई। किसी ने ये तक लिखा ट्विटर पे, क्या कहते हैं राइट विंगर ने, कि ये जो लड़की है इनकी माँ, इससे संभाल ले वरना ये मुस्लिम लव जिहाद कर देगा, और पता नहीं क्या क्या। और आपने देखा कि बाकी मेडिकोज ने, स्टूडेंट्स ने कितने अच्छे से रिस्पॉन्ड करा उसी गाने पे डांस वीडियोज डाल के। तो वहां पे आपने बिल्कुल सही बोला कि हाँ, क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं, कन्वर्ट्स आना शुरू हो गए मोस्ट इम्पोर्टेंटली, पर अभी भी इस फील्ड में बहुत काम करना बाकी है, बहुत काम करना बाकी, क्योंकि अभी भी हम स्पेक्ट्रम के उस एंड पे खड़े हैं जहां पे हमको ले गई हमारी पॉलिटिकल पार्टी, हमें स्पेक्ट्रम के उस एंड से इस एंड तक अब आना जरूर। बिल्कुल राहुल जी, इस बात पर तो अग्रीड है ही कि हम लोगों को बहुत काम करने की जरूरत है। हाँ, कुछ पॉजिटिविटी आ रही है जो कि आएंगी भी, क्योंकि हम एफर्ट्स डालेंगे तो आएगी ही, लेकिन काम लगातार और डबल ऊर्जा के साथ करने की भी जरूरत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, हाँ राहुल जी, क्वेश्चन आया देवाशीष जी का, हाउ टू वर्क विद पीपल हु स्टिक टू फंडामेंटलिज्म, who stick to their extreme views, how to work with them, and we usually stay away. देखिए, हमें उनको outcast नहीं करना है, हमें उनसे अलग नहीं, हमें उनको अलग नहीं करना है। ये उनका काम है, ये नफरत फैलाने वालों का काम है कि वो हमको outcast करते हैं। उनको यही सिखाया जाता है ना, outcast कर दो, दूर कर दो, मुस्लिम है इसके साथ मत बैठो, हिंदू है इसके साथ मत बैठो, ठीक है ये, अरे औरतें हैं, औरतें तो क्या कहते हैं मर्दों के बराबर नहीं हो सकती, ये सब फंडामेंटलिज्म जो है, हमको उनका आउटकास्ट नहीं करना है। मैंने शुरुआत में ही बोला कि हमको तो नफरत का जवाब प्यार से ही देना। मैंने क्या बोला आपको, कन्वर्ट होते कैसे, मतलब स्पेक्ट्रम के अगर उस तरफ है तो कैसे कन्वर्ट हो। मैंने देखा है, मैंने हिंदू भाइयों को पोस्ट डालते हुए देखा है कि किस तरीके से लॉकडाउन में किसी और ने उनकी मदद नहीं करी, किसी मुसलमान भाई ने, तो प्लाज्मा की जरूरत था तो किसी और ने नहीं बल्कि जमात वाले लोगों ने ही करा। हमें तो देखिए अपने प्यार का मैसेज कन्वे करना, और वो हमें गाली देंगे। मैं आपको साधु और बिच्छू की कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि बचपन में मेरी मम्मी मुझे बहुत सुनाती, और तो जब आपकी माँ आपको कोई कहानी सुनाती ना, वो बैठ जाती। तो साधु और बिच्छू की कहानी ये है कि एक साधु नदी में जा रहा था, नदी में स्नान करने जा रहा था, तो उसने देखा एक बिच्छू वहां पे नदी में डूब रहा। तो साधु ने बिच्छू को नदी से निकाल दिया, बिच्छू ने उसे डंग मार दिया, ठीक है, डंक मार के वो कूदा वापस पानी में जाने लगा, फिर डूबने लगा। फिर साधु ने अपने कमंडल से उसको निकाला और बिच्छू ने फिर डंक मार दिया। तो ऐसा जब तीसरी बार हुआ तो एक जो इंसान उसे देख रहा था, उसे पूछा साधु से कि ये बार बार तुम्हीं को डंक मार रहा है, तुम उसको क्यों बचा रहे हो, इसकी जान इसको डूब। उसने कहा जब वो बिच्छू होके अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता तो मैं साधु होके अपनी प्रवृत्ति कैसे छोड़ू। अगर एक बिच्छू, एक जानवर, वो अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं छोड़ रहा, तो मैं तो साधु हूँ, मेरा काम बचाना है, उसका काम डंक मारना, ऊपर वाले उसको चुना उसके लिए।
तो लोग नफरत फैलाते हैं, उनका तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है भी नहीं नफरत फैलाना, उनको तो उस तरीके से किसी ने, आप ये समझिए, इंटरलाइज करा दी है उनमें वो चीज, ठीक है, किसी ने इस तरीके से उनके दिमाग को एक तरीके से जकड़ लिया है, उनके दिमाग को उस तरीके की इंफॉर्मेशन से फीड कर दिया, तो कहीं ना कहीं तो एक मेंटल हेल्थ इशू भी हुआ ना, तो क्या हम मेंटल हेल्थ पेशेंट को छोड़ते हैं? हम उसे सपोर्ट करते हैं, हम उसकी हेल्प करते हैं। आप देखिए गुस्से में नफरत में लोग जो चिल्लाते, कैसे कैसे चिल्ला चिल्ला के बोलते, कैसे इनको देख के लगता है कि इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, सफर कर रहे हैं वो लोग। नफरत और जलन आपको अंदर से जलाती है, तभी उसका नाम भी जलन है। अगर आप कभी बोले ना कि मैं किसी से जल रहा हूँ या वो मुझसे जल रहा है, तो क्या बोलना चाह रहे हैं? जलसी जो इंग्लिश में वर्ड होता है, या जलन जो हिंदी में वर्ड होता है, अगर ईर्ष्या के अलावा उसका एक और मीनिंग है तो क्या होता है? जलने का मतलब क्या होता है? आग। हम अपने अंदर कोई तो जला रहे, तो कोई जल रहा है तो हमें तो उस पर पानी डाल के उस आग को बुझाना है, तो काम तो करना पड़ेगा उनके साथ। नफरत से वो करेंगे तो हमको प्यार से करना पड़ेगा, और डंक खाने के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। पर आप चिंता मत करिए, अगर आपकी प्रवृत्ति प्यार फैलाने की, आपकी प्रवृत्ति लोगों से जुड़ने की है, लोगों पे भरोसा करने की है, हार्मनी की है, पीस की है, शांति की है, तो आपकी प्रवृत्ति जीतेगी। आपकी ही नेचुरल इंस्टिंक्ट, आपके ही नेचर से उसी पे ये वर्ल्ड, उसी पे ये यूनिवर्स घूमता, उनके पे नहीं, उनके पे नहीं। जंगल में भी कभी जाएंगे ना, आप समझेंगे, देखेंगे, वहां पे भी प्यार है, वहां पे भी रिस्पेक्ट है, वहां पे भी भरोसा है, वहां पे भी इक्वालिटी इक्विटी है, जानवरों के कुछ भी आप देखेंगे। हाँ, तो देवशी जी का रिप्लाई भी आ गया, ठीक है, थैंक यू, आप जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है कृपाल भाई, आप ले सकते हैं इसको। बहुत खूबसूरत जवाब था, और यकीनन हम सब युवाओं को भी और जितने हमारे साथी सीनियर एक्टिविस्ट हैं और उन उनके मार्गदर्शन में हमें आगे अपने काम को आगे बढ़ाते भी जाना है। और कोई साथी कोई क्वेश्चन पूछना चाहे? कोई और क्वेश्चन? आई थिंक और कोई क्वेश्चन है नहीं। तो वैसे आज का जो हमारा सत्याग्रह संवाद था वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही सीखने लायक भी रहा। आपके एक्सपीरियंस से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, और जैसा कि स्पेशली युवाओं के लिए जो आपका व्यू है वो हम सबको बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए दिशा भी देता है, और हम सब मिलकर यकीनन बदलाव लाएंगे और पॉजिटिविटी लाएंगे, मोर कन्वर्ट्स लाएंगे, और हम सब मिलकर इस दिशा में काम करेंगे। और आगे भी हम अगले फ्राइडे भी इसी तरह से संवाद करते रहेंगे। अगले फ्राइडे को भी सत्याग्रह संवाद है, तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आप सब जुड़े भी अगले सत्याग्रह संवाद पर भी, ताकि हम आपस से एक दूसरे से शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस जो हम बोलते हैं, एक्सपीरियंस एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख कर हम अपने आप को आगे बढ़ाते रहें और बेहतर कदम आगे बढ़ाते रहें। आई थिंक आज का हम सत्याग्रह संवाद यहीं खत्म करेंगे, और आप सभी का शुक्रिया जो सब साथी जुड़े, जो ऑनलाइन हैं, और इस मीटिंग में सभी का शुक्रिया। थैंक यू।